शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद है नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोपहर से एक छुपन छुपाई का खेल जारी है, चोर सिपाही, आगे आगे शहबाज शरीफ साहब और पीछे पीछे पुलिस और नैब। ये सेठी साहब कि हो क्या रहा है, जब मतलब उनकी पेशी थी वो वहाँ आए नहीं, उन्होंने कहा कि हम स्काइप पे ले लेते हैं आपका, हम स्काइप पे देने पर तैयार हूँ आपके सवालों का जवाब, तो वो तो इतना बड़ा जत्था साथ पूरा प्रेस, एक तरफ कोरोना और आप देखें वो मनाजिर टीवी के ऊपर, कि वो तो मतलब एक हंगामा भर पाए और शहबाज शरीफ आए कि वो मिल नहीं रहे, गायब हुए। मुझे याद आ गया MRD का मूवमेंट 1983 में, उसमें भी ऐसे ही होता था, हाइड एंड सीक होती थी। पुलिस, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और या नवाज शरीफ साहब थे मुझे याद नहीं है, और ये निजाम उल्लाह साहब का ज़माना था और हाइड एंड सीक होती थी। सलमान तासीर साहब को वो मरहूम उस वक़्त बड़े वो एक्टिव थे, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, और ये हाइड एंड सीक हो रही थी तो सलमान तासीर साहब जो थे वो उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी उनको ढूंढने के लिए, वो कभी इधर दीवार टाप के जब भाग जाते थे, कभी उधर, जैसे आपने सुना इमरान खान साहब भी एक ज़माने में ऐसी हरकतें करते रहे, और तो वो मेरे घर में आके छुप गए थे। तो अब पता नहीं शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ जाके छुप गए हैं इस वक्त, बिकॉज ये तो क्लियर कट बात है कि शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था गिरफ्तारी देने का, इसीलिए उन्होंने बेल, प्री अरेस्ट बेल अप्लाई की थी। कुछ ज़ाहिर है इम्कान होगा, उनका ख्याल है कि उनको बेल मिल जाएगी, मगर फिर ये हादसा हो गया कि आज की जगह उन्होंने कोर्ट ने कहा कल सुनेंगे, तो फिर ज़ाहिर है ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव हिमसेल्फ अप, तो वो तो हाइड एंड सीक खेलेंगे, वो गिरफ्तारी नहीं देंगे आज। और कल भी आप देखिए ये ड्रामा आज चलेगा, इधर रेड लगेगी, इधर रेड, अभी कभी वो जाती उभरा जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ये पुलिस वाले और नैब वाले, इनको शहबाज शरीफ साहब नहीं मिलने, और कर भी वो ये फिर जाएंगे अदालत में, इन कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरीके से अदालत पहुंचने से पहले जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, रास्ते में ब्लॉकेट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, सब ड्रामे अब आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, मगर वो पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इतनी कुछ करने के बाद अगर वो बेल नहीं मिलती उनको, प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती, तो फिर तो बड़ा लेट डाउन हो जाएगा ना, तो ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। मगर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोविड कैंसर पेशेंट, सारे सवालों के जवाब दे दिए, ऑलवेज रेडी टू कम एन आंसर एंड सो ऑन, और शायद मतलब कुछ उनको इंडिकेशन भी हो, तो मेरा ख्याल है आप देखिए बड़े मज़े की सिचुएशन डेवलप होने जा रही। तो आप ये समझते हैं कि ये इस तरह से शहबाज शरीफ साहब की जान छूट जाएगी और जो हुकूमत पूरी तरह से इस पे मिशन पे है कि किसी ना किसी तरह से शहबाज शरीफ को, हम तो इतनी देर से खबरें सुन रहे थे कि होना ही गिरफ्तार, तो अब आपका ख्याल है कि जमानत वगैरह के बाद ये हुकूमत भी ठंडी पड़ जाएगी? नहीं, ठंडी नहीं पड़ेगी। आपको पता है शेख साहब ने कहा था कि टार्जन आ रहा है, तो ये टार्जन नजर आ रहा था आपको, तो ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं और लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, कभी इधर बकड़ दकड़, ये डाइवर्शन है। देखिए ना, कोविड की वजह से मायूसी हुई हुई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल हो चुकी है, अब वो मीशत बैठ रही है, तो भाई कोई ड्रामा तो करना है ना, ताकि आप और मैं वो चीज़ें डिस्कस करते रहें जैसे अब हम कर रहे हैं, कल को किसी और को पकड़ने जाएंगे, वो भी कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, ये शोर शराबा, ये रौनक ये लगी रहेगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको कहना यार वो कोविड ना सोचो, उसकी बात ना करो, मरते हैं तो मरने दो, अब मीशत बैठती है तो बैठने दो, उधर ना जाइए, हमें दंग ना करिए, राइटिंग ना करिए, ये देखिए जो हमने ड्रामा लगाया हुआ, पकड़ दकड़ ये वो आना जाना, दिस इज डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक। मुझे एक छोटे से सवाल का, मैं जब देख रही थी टीवी तो मैं एक बात सोच रही थी कि वैसे तो ये एक एक मूव पे नजर रखते हैं, आपके फोन पे नजर रखते हैं, हर किस्म की इनके पास ये सर्वेलेंस और ये है, तो ये इनको पता नहीं चला पंजाब पुलिस को या जो बाकी अदारे हैं कि शहबाज शरीफ इस वक्त हैं कहाँ? नहीं, पता चल गया होगा या शायद नहीं भी पता, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है जरा इनको इवेट करना, मैं तो बेसिकली आपको पता ही है इनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, वो तो आपको पता ही है, और बड़ा आसान है एक्चुअली टू गिव दम द स्लिप, इधर से गाड़ी में निकल जाना, उधर निकल जाना एंड सो ऑन, नॉट डिफिकल्ट। हाँ, तीन चार दिन के बाद दे हैव अ बेटर ग्रास्प ऑफ थिंग्स,
बिकॉज फोन टैपिंग ये वो, और शबाशी साहब ने भी अपने फ़ोन बंद कर दिए होंगे ताकि, और उसकी लोकेशन सर्विसेज बंद कर दी होगी, फ़ोन ही अपने पास नहीं रखा होगा। तो मगर इवेंचुअली वो कोई ना कोई बात रबता होगा उनका किसी के साथ, वहाँ से बात निकलेगी तो ट्रैक डाउन तो हो ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ही इज़ ओनली नीड्स अ स्पेस, आज की स्पेस चाहिए थी उनको, वो उनको आज मिल जाएगी। अब कल देखें क्या होता है, आज तो ये टकरे मारेंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं कि जो इतना बड़ा ये बकौल मरियम औरंगज़ेब के एक सर्कस लगाया गया है, तो अगर इतना बड़ा ये शो किया गया है तो इसके बाद मुस्लिम लीग नून की कोई स्ट्रेटजी में, हिकमत अमली में, या कोई अपने रवैये में आप तब्दीली देखते हैं आएगी? नहीं, ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इस वक्त। स्ट्रेटजी यही है, सिट बैक एंड वेट। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने खत लिख दिया है टू नेशनल असेंबली स्पीकर को कि अगले बजट सेशन के अंदर हम ये 5-6 चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, हर एक के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए, और वो सारे वही इश्यूज़ हैं जो उस पर गवर्नमेंट की शर्मिंदगी है, खा वो बजट हो, इकॉनमी हो, पेट्रोल प्राइसेस हों, ये वीट एंड शुगर रिपोर्ट्स हों, ये सारी चीज़ें जो हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा हमें चाहिए टाइम टू डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे भी आप बाकी रूल्स को सस्पेंड करें हम ये करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है, आगे बजट आ रहा है, बजट तो बड़ा ख़तरनाक बजट होगा, चीखें निकलेंगी लोगों की, और गवर्नमेंट को ख़ुद नहीं पता करना क्या है। उधर IMF बैठी है उधर नेशनल सिक्योरिटी बैठी, वो कह रहे पैसे चाहिए हमें दिफा के लिए, पैसे है नहीं, IMF कह रही है टैक्सेस और लगाओ, बेरोजगारी हो रही है, टैक्सेस कहाँ से लगाएंगे, इकॉनमी बैठ जाएगी तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे। इसीलिए तो इमरान खान कह रहा है मरते जाएं डजंट मैटर, इंडस्ट्री को चलाए चलाए, टैक्स कलेक्ट करना है टैक्स के बगैर कुछ होता ही नहीं, चलता ही कुछ नहीं। और कर्जे कहाँ तक लेंगे, कितने कर्जे लेंगे, वो तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है ना सारा कुछ। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी कर्जे नहीं लेने, हम बड़ी इज्जत वाले लोग हैं, ऊपर कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कि जरदारी साहब के ज़माने में कर्जा जितना था नवाशी साहब के ज़माने में दुगना हो गया, और अब इमरान खान के ज़माने में नवाशी साहब से भी दुगना होने जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और अपोजिशन की ये कोशिश है कि ये पीरियड को सर्वाइव किया जाए किसी तरीके से, ये पीरियड सर्वाइव किया जाए, खुदा फिर की तरफ से कुछ आ जाए और कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए या आवाम खड़ी हो जाए और किसी तरीके से इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए। इनकी तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी या कोई स्ट्रेटजी नहीं है अभी तक। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये एक इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि एक हादसा हो जाए। अब हालांकि इस वक्त हालात ऐसे हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है क्योंकि आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है और इनसे कुछ थोड़ी सी बददिल भी है, लेकिन अगर ये इस मुसीबत से ये हुकूमत निकल गई तो फिर ऑपोजिशन तो सारी ज़ीरो हो जाएगी। नहीं, इतनी जल्दी ये निकलने वाली नहीं ना। देखिए ना, ऑपोजिशन का प्रॉब्लम ये है वो पकड़ के अंदर कर देते हैं, अगर लीडरशिप ही अंदर हो जाए जैसे सिंध में किया हुआ तो आप क्या करेंगे, कौन से लीडर जाके लोगों को बाहर निकालेंगे, जिस जो भी जाएगा उसको पकड़ के अंदर कर देंगे। और कितने लीडर्स हैं यहाँ, शहबाज शरीफ साहब, यहाँ तो होता ना कि नवाज शरीफ साहब जाते लोगों को इकट्ठा करते अंदर हो जाते, मरियम निकलती अंदर हो जाती, सफदर निकलता अंदर हो जाता, सारे एक एक करके निकलते अंदर करते, इसको मूवमेंट चलाते बनाते इसको, वो तो हुआ नहीं क्योंकि हमजा बेचारा शरीफ जेल में है, बाकी कोई इधर भाग गया, कोई उधर चले गए, कोई बीमार हो गया, तो ये सिचुएशन है। कोई लोग बेचारे बेलों पे हैं, वो बेलें कैंसिल हो जाएंगी, फिर पकड़ के ले जाएंगे। एटीट्यूड गवर्नमेंट की ये, जो भी है पकड़ो अंदर करो, और वो 2-3 महीने के लिए तो हर एक को अंदर कर सकते हैं, जो मर्जी कर, जो मर्जी चार्ज लगा के गाय भैंस चोरी होगी करके अंदर, और नैब लगी हुई अपने काम करने, नैब में जो FIA कर देगी कुछ ना कुछ, तो बेलें तो 3 महीने के बाद होंगी, मूवमेंट टूट जाएगा। अब मूवमेंट बनाने की अगर कोशिश करें तो ये कुर्बानी देनी पड़ती है ना। अब मेरा ख्याल है गर्मियाँ इतनी हैं, कोविड चला हुआ है, सबको डर लगा हुआ कि अंदर हो गए तो कोविड ही हो जाएगा, और लीडरशिप आपको पता है उसमें नौजवान तो कम ही है, सारे जो है 50s, 60s, 70s के लोग हैं, तो बड़ी मजबूरी है ऑपोजिशन की। और पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे नहीं हो रहे, वो अगर इकट्ठे भी हो जाते तो फिर भी कोई बात बनती ना। अब एक पार्टी करती है और अंदर हो जाती है, दूसरी पार्टी नहीं करती, उन्हें डर लगा हुआ हमारी हुकूमत की छुट्टी ना हो जाए, गवर्नर रूल ना लग जाए, खुद लगाने को तो इमरान खान कुछ भी कर सकता है। और वो सेम पेज जब तक सेम पेज है, बादशाह सलामत है जंगल का, जो मर्जी कर ले। तो ऑपोजिशन किसको
और खुद आवाम बेचारी कैसे खड़ी हो, वो कैसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट तो है नहीं, पार्टीज ही हमेशा ऑर्गेनाइज करती है ना मूवमेंट्स को, स्टूडेंट्स करते हैं, यहाँ वो सूरत ही नहीं है। और ऊपर से कोविड बेड लेके बैठ गए, अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन होती भी आते तो कोविड से मर जाएंगे बेचारे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो कोई घर घरों से तो कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, शॉपिंग मार के बेचारे कर रहे हैं खाने पीने के लिए। सो मूवमेंट शूवमेंट कहाँ से होगी, मजबूरी है, पार्लियामेंट के अंदर बातें करें, ये ड्रामा करें, उम्मीद करें कि इकोनॉमी क्रैश कर रही है और कुछ ना कुछ हो रहा है, या शायद सेम पेज पे लोग ना रहे हैं, वो दिन भी आ जाए, तो इसकी इसी की इंतज़ार है और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ये सेम पेज में जब भी कोई भी हुकूमत होती है उसको हिलाना इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब शहबाज शरीफ साहब का तो देखते हैं कि अब उनकी किस्मत का क्या फैसला होता है, लेकिन अभी आपने कोरोना और उसके खौफ का जिक्र किया तो ये कुछ खबरें आ रही हैं तालिबान के बारे में, आपको कुछ पता है कि वहाँ क्या हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हो गई है, वो कोरोना पड़ गया तालिबान लीडर्स को भी, अखुंदजादा साहब को भी पड़ गया जो उनके मेन लीडर हैं, सुना ये है कि वो एक आर्मी हॉस्पिटल में है, या वो वफात पा गए या वो बड़े क्रिटिकल स्टेज पे। इसी चीज़ के साथ सुना ये है कि सिराजुद्दीन अकानी जो कि अकानी नेटवर्क के लीडर हैं उनको भी कोविड हो गया, वो भी आउट ऑफ एक्शन है। यहाँ तक ये सुना है कि वो जो दोहा के अंदर तालिबान की लीडरशिप थी जो कि नेगोशिएट कर रही थी, उनमें से भी कुछ लोग नॉकआउट हो गए। इसका ये मतलब है कि वो जो सारा पीस प्रोसेस और डायलॉग जो चलना था और जो सीज फायर की सारी डिस्कशन हो रही थी वो तो फारग हो गई ना, लीडर्स ही नहीं है तो क्या है। अब ये कहने को लोग ये कह रहे हैं, वहाँ की खबरें ये आ रही है कि मुल्ला उमर के जो साहिबजादे थे उनको शायद अब टेम्प्रेरी लीडर बना दिया जाए, उसके ऊपर भी पावर स्ट्रगल चलेगी। तो मैं समझता हूँ तालिबान को भी डर लग गई है, कोविड आके तालिबान को भी पड़ गया। अब इसके साथ गनी की हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती देखना है, बिकॉज ये तो डेफिनेटली है कि तालिबान इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन और पीस प्रोसेस वो जो है वो हॉल्ट हो गया। अब क्या जो बाकी तालिबान हैं जो कमांडर्स हैं वो देखेंगे ये सिचुएशन है तो क्या वो स्पॉन्टेनियसली वो खुद फिर जंग शुरू कर देंगे, ये भी हो सकता है। तो ये पीस प्रोसेस जो है इस वक्त बहुत ख़तरनाक इलाके में आ गया है, ये गिर भी सकता है और फ्रीज भी हो सकता है, मगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये अमेरिका में अब ये इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि यार अगर ऐसे हो गया तो हम ट्रूप्स कैसे पुल आउट करेंगे, अगर सीज फायर ख़त्म हो जाता है और लड़ाई झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं बिकॉज तालिबान की लीडरशिप फ्रैक्चर हो गई है, या कोई नई लीडरशिप आ जाती है जो कहती है नहीं मानते ये जो सारी चीज़ें पहले हो रही थी, फिर क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर वेरी डाइसी ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो, वहाँ भी प्रॉब्लम। हाँ जी, बदकिस्मती से अफगानिस्तान अमन का जो सारा प्रोसेस है उसको कोई नज़र ही किसी को लग गई है, थोड़ा सा आगे जाती है तो फिर वही वापस हो जाती है। यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सेठी साहब, अभी एक नया ताज़ा आ गया है गैलप का एक सर्वे जिसके अंदर उन्होंने रोज़गार और मईशत के हवाले से काफ़ी उन्होंने सवाल पूछे, आपने अगर वो सर्वे देखा है तो ज़रा बताइएगा उसमें मोटी मोटी क्या बातें और वो क्या इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि हमारी मईशत किस तरफ जा रही है। हाँ जी, हाँ मैंने देखा है, मैंने कुछ उसके स्टैटिस्टिक्स भी सामने इकट्ठे किए हैं। ये बड़े दिलचस्प सर्वे किया उन्होंने, प्रोजेक्शंस किए हैं बेस्ड ऑन लेबर फोर्स सर्वे जो 2017-18 में हुआ था गैलप वालों ने। तो ये इसमें कुछ कंक्लूजन्स इंटरेस्टिंग है, कुछ तो एक्सपेक्टेड है मगर फिर भी कुछ मेरा ख्याल बताने ज़रूरी है। देखिए टोटल लेबर फोर्स पाकिस्तान की कोई 6.65 मिलियन, कोई 6.5 करोड़ के करीब है, आप ज़्यादा होगी होगी क्योंकि ये 2-1 साल पुराना डेटा है, चले आप समझें कि 7-1 करोड़ जो है ये लेबर फोर्स है आपकी। और इसमें से जो जो लोग बेरोज़गार हैं वो कोई 4-1 मिलियन के करीब, 40 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये सिचुएशन है जबकि कोरोना आया। अच्छा, अब कोरोना के बाद जो सिचुएशन है वो क्या हुई, उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सफ़र, किसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, किस हिस्से ने इस लेबर फोर्स के, और किसने सबसे कम किया है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क कौन से हैं सेक्शंस लेबर फोर्स के कौन से हैं, और सबसे ज़्यादा ज़्यादा सेफ कौन से हैं। उनका ये कहना है कि 28% यानी के कोई 17 मिलियन
कोई 2.25 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो हाई रिस्क हैं, जिनकी मुलाजमतें खतरे में आ गई हैं, या बेरोज़गार हो गए हैं, मुलाजमत नहीं है, या मुलाजमतें खतरे में आ गई हैं, उनको निकाल दिया जाएगा या निकाल दिए गए हैं जॉब से, लेबर फोर्स में से, एक्टिव लेबर फोर्स में से 28% हाई रिस्क, जिनको कोविड की वजह से, जो लॉकडाउन हुए हैं उनकी वजह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है या बेरोज़गार हो गए हैं या हो जाएंगे आगे जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, मईशत जो बैठ रही है। और 40% ऐसे हैं जो कि मीडियम रिस्क है, और 1/3 ऐसे हैं, 33% जो कि कम रिस्क के हैं, उनको फिर भी उनकी नौकरियां और मुलाजमतें बरकरार रहेंगी। तो पहली बात तो ये है कि इतने लोग जो हैं 28% विल लूज़ देयर जॉब्स और कुड लूज़ देयर जॉब्स और हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, अबाउट 17 मिलियन। अब आइए आप रीजन वाइज ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे ज़्यादा सदर्न पंजाब में, पंजाब के अंदर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सदर्न पंजाब में हाई रिस्क है बेरोज़गारी की, 25%, और उसके बाद सेंट्रल पंजाब में 14% है, वेस्ट पंजाब में 9% है, और पंजाब नॉर्दर्न पंजाब में सिर्फ 5% है। तो ये तो पंजाब की बात हो गई। कराची में और सिंध में इंटीरियर में देखें तो कराची में 10% और इंटीरियर सिंध में 21%, तो इंटीरियर सिंध सबसे ज़्यादा विद इन सिंध। उधर पेशावर, उधर केपी में पेशावर वैली के अंदर सबसे ज़्यादा है मसले, और फिर उधर नॉर्दर्न एरियाज में आप चले जाएँ कलात और बलूचिस्तान में चले जाएँ तो कलात और मकरान में जहाँ सबसे ज़्यादा गुरबत है वहाँ। तो इस किस्म की ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। मैं समझता हूँ कि एक और फैक्टर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। एक सर्वे हुआ था 2-3 महीने पहले, उससे लोगों से ये पूछा गया था कि आपका क्या ख्याल है ये जो थ्रेट आ रही है कोरोना की, ये कितनी सीरियस है। तो उस वक्त कोई 50% लोग जो थे जिनको पूछा गया वो ये कह रहे थे कि थ्रेट सीरियस है, बड़ी सीरियस है। आप हैरान होंगे कि अब जो पूछा है उनको तो उनमें से 63% पाकिस्तानी, 63% कहते हैं कि ये कोई खास थ्रेट शेट कोई नहीं। ठीक है, एग्जैजरेटेड है, इतनी भी नहीं है जितनी नजम सेठी कह रहा है वो कोई ऐसी बात नहीं है, हुकूमत कह रही है कि अब सबको ही हो जाएगा, वो कहते नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो आप गवर्नमेंट की तो एटीट्यूड आप देख रहे हैं, मगर आप देखिए कि अवाम की एटीट्यूड क्या है। और यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊँ कि जो अर्बन एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं ओ कोई गल नहीं, और उसमें 70% लोग जो अर्बन एरियाज में हैं शहरी, वो कहते हैं जी नो प्रॉब्लम, इतनी अहम ही है, जो वो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन भी वहीं हो रही है, मगर फिर भी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं। आज उसमें गवर्नमेंट ने भी, आपको पता है, कोई ख़ास ये टीवी के ऊपर आके कैंपेन्स नहीं चलाएंगी, ये बड़ा संजीदा मसला है, ख़तरा बहुत है, ये है वो है। गवर्नमेंट तो हार रही है, वो जी कोई गली कोई नहीं, बड़े काम है हमारा तो वो ही कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी गलती जो है ये हुकूमत की है, फेडरल गवर्नमेंट की है, जो कि थ्रू आउट ये कहती रही है कोई बड़ी बात ही नहीं है, दुनिया में ये हो रहा है, हमारे यहाँ तो वही कुछ नहीं रहा। फिर ये थियरीज चलती रही हैं कि जी वो हम तो इम्यून है, हमारे तो गर्मी भी जो है यहाँ वो उसकी वजह भी है, और हम तो वैसे भी पोलियो शॉट्स लगे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, हम बड़े हार्डी लोग हैं, इस किस्म की थियरियाँ भी चलती रही। इसलिए अभी तक परसेप्शन ये आवाम में यही है कि ये कोई खास सीरियस बात नहीं है ये कोरोना, और ये हमें बात बनाई जा रही है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर सबसे बड़ा रोल हुकूमत का है, जिसको चाहिए था एजुकेट करना, तालीम देना, लोगों को समझाना बताना कि ये बड़ी सीरियस चीज़ है, इसके साथ ये हो सकता। और इसीलिए क्योंकि ये रवैया हुकूमत की तरफ से है कि खोल दो नो थ्रेट, तो आवाम में भी ये बात चल पड़ी है कि दी नो थ्रेट। आप उनसे पूछिए जिनको ये असर हो रहा है, जिनके ऊपर जिनकी फैमिलीज तबाह हो रही हैं, जो कि बेरोज़गार हो रहे हैं एंड सो ऑन, तो फिर शायद कोई और परसेप्शन हो, मगर अभी पाकिस्तान के अंदर यही परसेप्शन है कि इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट। अच्छा सेठी साहब, मैंने आपसे एक और भी तबसरा लेना है। कल जो वजीर आजम साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सी बातें की, उनमें एक बात उन्होंने सियाहत के बारे में की, टूरिज्म, और उन्होंने कहा कि जी केपी और जो है ये गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के
ये तो बेचारे सर्वाइव भी टूरिज्म पे करते हैं, वो सिर्फ गर्मियों में 2-3 महीने होता है। मैं सुनवाती हूँ उन्होंने क्या कहा। हमारे ख्याल में टूरिज्म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज्म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोजगार टूरिज्म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर जो एरियाज हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा दोनों गवर्नमेंट से फैसला किया, आपस में मिलकर SOPs तय करेंगे ताकि वो टूरिज्म को भी इजाजत दें। तो ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि आप घर पे बैठे एहतियात करें, आपके पास इंटरनेशनल जो है वो टूरिस्ट आ नहीं रहे, तो ये टूरिज्म खोलने का मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खास टूरिज्म है ही नहीं पाकिस्तान में। ज़्यादा टूरिज्म होती है फॉरेन की, वो तो है ही नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, थोड़ी सी थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का इशारा जो है वो ये है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, सीनिक एरियाज हैं, ठंडे एरियाज हैं, यहाँ पाकिस्तानी गर्मियों के अंदर जाते हैं दूसरे जगह से और वहाँ जाके छोटी मोटी टूरिज्म होती है, उनकी इकॉनमी जो है वो टूरिस्ट इकॉनमी जो है वो चलती है, मरी चले जाते हैं लोग, नथिया गली चले जाते हैं, स्वाद चले जाते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं ताकि वो जाएं, उनके होटल चले, उनके कारोबार चले। अच्छा, अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वो इलाके हैं यहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुई, सबसे कम इन्फेक्शन नॉर्दर्न एरियाज में है, और वहाँ आपने देखा कि वहाँ की KP की गवर्नमेंट भी बड़ी सख्ती कर रही है, उन्होंने भी एक कोविड इमरजेंसी एक्सिक्यूट कर रहे हैं, लॉकडाउन किस्म की चीज़। और उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी वो जो एरियाज हैं वहाँ भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम तो लॉकडाउन में हैं, हम नहीं चाहेंगे कि आना ज़्यादा आना जाना हो और ज़्यादा लोग मिले एक दूसरे। वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो अपने रोज ये जो बात टूरिज्म की वो नहीं सोच रहे, वो कहते हैं नहीं नहीं हम बंद कर रहे हैं, आप मत आए यहाँ, ये कह रहे हैं नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ। जैसे पिलग्रिम्स आए, उन्होंने आके शुरू कर दिया काम, और जो बाकी जगह से लोग आ रहे थे उन्होंने आके पाकिस्तान को इन्फेक्ट कर दिया। अब पाकिस्तान के बाकी इलाके जो कि हाईली इन्फेक्टेड हैं, लाहौर फॉर एग्जाम्पल इज हाईली इन्फेक्टेड, अब यहाँ से वो इनकरेज करेंगे लोगों को, उठो जाओ जाके ठंडे इलाकों में जाओ और जाके अपने हॉलीडेज करो, क्यों, ताकि वहाँ की कुछ कारोबार चले वहाँ। ये नहीं कि यहाँ के लोग जो ज़्यादा इन्फेक्टेड है वो जाके वहाँ उनको इन्फेक्ट कर देंगे आप, और उनकी भी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। आज अगर 4 लोग वहाँ इन्फेक्टेड हैं तो वहाँ 40 हो जाएंगे, तो जब इन्फेक्शन आ जाएगी तो फिर उसके बाद कौन सी इकॉनमी चलेगी तमकरन, और वहाँ के लोग खुद रो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था ट्विटर के ऊपर, एक ट्रैवल एजेंसी की खातून है जो कि जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो ट्रैवल और टूरिज्म के साथ ताल्लुक है उनका, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, स्वात में, वो कह रही है मत आए यहाँ, हमने बंद करना है, आप क्यों लोगों को यहाँ भेज रहे हैं, हमें अपनी जानों का फिक्र है, आप कह रहे हैं कि हमें आप धमकियाँ दे रहे हैं कि कारोबार करो अपना, हम नहीं इंटरेस्टेड, हम नहीं भूखे मरेंगे, आप फिक्र ना करें हमारा, हमें तो कोविड से फिक्र है, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर कारोबार भी रह जाएगा, फिर कौन कारोबार करेगा, कैसे होगा, अगर इन्फेक्शन आ गई तो रेस्टोरेंट भी बंद, होटल भी बंद। तो वो तो ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं जाओ 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 जाओ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को एडवाइस कर रहा है, क्या इनका फलसफा है जो कि सामने ला नहीं रहे हैं। मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान इन्फेक्ट हो जाए, 6 महीने में तबाही हो जाए, लोकल अपनी एंटीबॉडीज बन जाए, फिर जाके देखा जाएगा, क्योंकि हम बचा तो सकते नहीं। मगर ये टूरिज्म की बात कहाँ से आ गई, इस मतलब है ट्रांसपोर्ट भी खोल दो, ज़बरदस्ती लोगों को जाओ वहाँ वहाँ जाके इन्फेक्शन करो, वहाँ के लोग कह रहे हैं मत आए, ये कह रहे हैं जाए, तो मतलब है तमकनत, आई मीन ऑनेस्टली मैडनेस, तंग नज़रिया, कोई पूरी पिक्चर को देखा नहीं जा रहा। जहाँ ये लोगों को भेजना चाह रहे हैं उनसे लोगों को तो पूछे क्या वो चाहते हैं यहाँ लोग आए इन्फेक्ट करें आके, और वो कौन सी इकॉनमी है, वो अगर 3 महीने के कोई भूखा नहीं मरेगा, वहाँ के लोग कह रहे हैं हम भूखा नहीं मरेंगे, डोंट वरी अबाउट अस, और ये कह रहे हैं नहीं आप जाएं। तो मतलब है कि आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड ये किस किस्म की हमाकत है ये, जिस किस्म की ये पॉलिसीज को प्रमोट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब जी। मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे तो शहर में पार्क्स भी बंद हैं, हम तो वॉक करने के लिए भी नहीं जा सकते, तो एक तरफ पार्क्स बंद है, दूसरी तरफ हमें कह रहे हैं कि अपने घर के पास पार्क ना जाएं और आप चले जाएं मरी, नथिया गली, नारायण, मतलब ये समझ से कुछ बाहर ही है बात।
अच्छा यहाँ हमें वक्फा लेना है, वक्फे से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। अब बात करते हैं जो अमेरिका में इस वक्त मुजाहरे, एहतजाज और फसादात जारी हैं। एक हफ्ता पहले अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में एक स्याह फाम अमरीकी यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन की पुलिस के हाथों हलाकत हुई। वो कहीं गैरकानूनी तौर पर सिगरेट बेच रहा था और एक छोटा मोटा जुर्म था ये, मगर पुलिस ने उसको पकड़ा, एक पुलिस ऑफिसर ने, और उसकी गर्दन पर पैर रख कर इस बुरी तरह दबाया कि वो शख्स हलाक हो गया। जब वो वीडियो मंजरे आम पे आए तो एक गमो गुस्से की लहर जो थी वो पूरे अमरीका में दौड़ गई। पहले मुजाहरे शुरू हुए मिनियापोलिस शहर जहाँ ये वाकया हुआ था, उसके बाद तमाम अमरीका की रियासतों में ये मुजाहरे शुरू हो गए। कुछ तो मुजाहरे पुरअमन थे लेकिन बहुत से मुजाहरे इसमें एहतजाज पुरतशद्दुद भी थे। घेराव जलाओ हुआ, पुलिस स्टेशन पे हमले हुए, गाड़ियां जलाई गई, तोड़ फोड़ हुई, कुछ लूटमार भी हुई और यहाँ तक कि वाइट हाउस के अंदर मुजाहरीन ने जाने की कोशिश भी की। इन तमाम मुजाहरों और फसादात के बाद 40 शहरों में अमेरिका में कर्फ्यू लगा। ये एक बिल्कुल ऐसी बात है जैसे जो ना सुनी ना देखी कि ये अमेरिका है 21वीं सदी का जहाँ इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत का भी एक जारहाना रद्द अमल है उनका, बजाय इसके कि वो दर्जा हरारत को नीचे लाए जाए वो उसके उसी तरह का रद्द अमल जारहाना आ रहे। तो सेठी साहब ये मैं पूछना चाहूँगी कि एक शख्स की हलाकत से इतना गमो गुस्सा, इसकी आई एम श्योर कोई और भी वजूहात होंगी, उस पर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। जी हाँ, देखिए ये जो देखना इस सारे सिलसिले को देखना ये है कि ये इसकी तारीख मंजर में देखना है। वो ये कि अमेरिकन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका की 50 साल तारीख में इतने रेस राइट्स या प्रोटेस्ट्स कभी नहीं हुए। इसके दो पहलू हैं जिसकी तरफ वो तवज्जो दिलाते हैं। पहले ये कि ये इतने शहरों में नहीं हुए जितने एक दफ़ा एकदम आज शुरू हो गए। दूसरा ये कि इतनी वायलेंस पहले नहीं नज़र आई जितनी अब वायलेंस नज़र आ रही है। 50 साल में ऐसे नहीं हुआ। हमेशा जब भी ये होता था तो इसकी तारीख में, अमेरिका की तारीख में रेस राइट्स होते थे जिसका ताल्लुक अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो एटीट्यूड है वाइट अमेरिकन्स की रेस की, उसके ऊपर ही होता था। और जब अफ्रीकन अमेरिकन्स का लीडर मार्टिन लूथर किंग असैसिनेट हुआ तो उस वक्त ही इस किस्म की राइटिंग हुई थी 1960s में। मगर उसके बाद भी फ्रॉम टाइम टू टाइम ये राइटिंग होती है और उसका जो मेन रीज़न यही होता है कि पुलिस ब्रुटैलिटी। ये पुलिस ब्रुटैलिटी, अमेरिकन वाइट सुप्रीमेसिस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी जो है ना, ये अक्रॉस अमेरिकन सिटीज़ है और हमेशा 3/4 ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी केसेस, 75% जो केसेस होते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के, वो अगेंस्ट ब्लैक्स या अफ्रीकन अमेरिकन की तरफ होते हैं। और हमेशा ऐसे ही लगता है कि ज्यादती की गई है। जैसे कि ये लेटेस्ट इंसिडेंट के अंदर एक पुलिस अफसर ने एक अनआर्म्ड शख्स को गिरा के उसके गले के ऊपर दबाव डाल के 10-12 मिनट वो रोता रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना हथियार है ना कुछ है, ज़मीन पे लेटा हुआ है, और उसको उसने उसका गला दबा दिया और उसको एस्फिक्सिएट कर दिया, मार दिया। पहला इशू ये कि पुलिस ब्रुटैलिटी नज़र आती है और जब वो कैप्चर हो जाती है वीडियो के ऊपर तो फिर जाहिर है वो इन्फ्लेम हो जाती है। तो जब से सोशल मीडिया आया है जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो वो फिर स्प्रेड करती है। पहले जहाँ भी होती थी वो एक ही जगह पे रहती थी, वहीं लोकल्स जो थे, कम्युनिटी एक्शन होता था, स्टेट एक्शन भी नहीं होता था, नेशनल एक्शन कम ही होता था। मगर अब इस किस्म की सिचुएशन बन गई है कि फौरी तौर पर सोशल मीडिया की वजह से एक वो जो स्प्रेड है उसका वो बढ़ जाता है। पहली बात तो ये पुलिस ब्रुटैलिटी, और इतने केसेस हैं कि आप अगर वो जाए इंटरनेट के ऊपर आप देखें 1960s ऑनवर्ड्स, दर्जनों के हिसाब से केसेस हैं स्पेशली जो कि ज्यादती की गई अमेरिकन ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ, अफ्रीकन अमेरिकन्स के खिलाफ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वो कम्युनिटी है जो कि सबसे ज़्यादा रिलेटिवली स्पीकिंग गुर्बत में है, इनक्वालिटी पॉवर्टी में
स्लम्स में, गेटोज में। तो पहले पिछली पहले से ही ये सिचुएशन ऐसी है कि उनकी सूरत हाल ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े वहाँ ज़्यादा होते हैं, तालीम वहाँ कम है, जॉब्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ज़्यादा है ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सिस्टम। तीसरी चीज़ एक तारीख भी है, तारीख का तो बोझ बिल्कुल हमेशा होता ही है ब्लैक्स के ऊपर के हमेशा उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई, स्लेवरी से लेके आज तक वो मामला चल रहा है, कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से फिर रिएक्शन आता है उनकी तरफ से। मगर ये पुलिस ब्रुटैलिटी इज़ अ मेजर इश्यू ऑफ दिस। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ ये है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ मेजॉरिटी अमेरिकन्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं बिकॉज एक्सट्रीम राइट विंग जो है अमेरिका की वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट की है, और प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा उनको दाद देता है और उनको उठाता है और उनकी तारीफ करता है, और सो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी उसकी भी एसोसिएशन रिपब्लिकन पार्टी है, दैन द राइट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी स्पेशली द वाइट सुप्रीमेसिस्ट लॉबी उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मेजॉरिटी अमेरिकन ब्लैक्स प्लस वाइट्स, लिबरल वाइट्स, वो उसके खिलाफ है, और अभी रिसेंट टाइम्स में तो उसकी पॉपुलैरिटी गिर भी रही है। जब वो इलेक्शन हुई थी तो बहुत से ब्लैक्स ने उसके लिए वोट किया था बिकॉज वो मायूस थे कि ओबामा ने कुछ नहीं किया उनके लिए, उनका ख्याल था कि ये आके कुछ करेगा, मगर नहीं हुआ। अब सारे ब्लैक कम्युनिटी जो है वो इनके खिलाफ हो गई। उसके अलावा वाइट कम्युनिटी जो पहले भी जिसने वोट भी नहीं डाला था, उसके अलावा जिन्होंने वोट भी डाला वो भी इसके खिलाफ हो गए जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, और ख़वातीन स्पेशली खिलाफ हो गई बिकॉज ऑफ हिज मेल शोविनिस्ट एटीट्यूड्स, आपने देखा ही है वो किस किस्म की बातें करते रहे और करते हैं अभी भी। और एक और फैक्टर है, वो है कोविड। कोविड से ये दो बातें पता चली हैं हमें, एक ये कि जो ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हुई हैं या ज़्यादातर जो लोग मर गए हैं 60-70% जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या इम्पॉवरिश्ड या गरीब कम्युनिटीज़, जिसमें से मेजॉरिटी जो है दे आर ब्लैक अमेरिकन्स। सो कोविड का भी जो इम्पैक्ट हुआ है वो इनकी कम्युनिटीज़ के ऊपर हुआ है बिकॉज वहाँ वो उस किस्म के SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग SOPs या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो नहीं है, विद द रिजल्ट दैट सबसे ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्टेड ब्लैक अमेरिकन्स हैं, स्पेशली जो पुअर हैं या जो घेटोज में हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, वो कोविड के अंदर भी वो सबसे ज़्यादा शिकार हुए। वहाँ ये भी गुस्सा है कि यार प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो लॉकडाउन किया ही नहीं, हमें तो बचाया नहीं, हमारे लिए क्या फैसिलिटीज़ की है, क्या कोई ये जो सो कॉल्ड पैकेज है उन्होंने भी कोई गुरबत के लिए कोई पैकेजेस बनाए, वो इनको नहीं मिला जिस तरीके से मिलना चाहिए था, और इनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तो वहाँ गुस्सा भी और रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको भी तकलीफ हो रही थी कि हमें लॉकडाउन किया तो पैसे तो दे, वो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, और अब हुकूमत आपकी कह रही है कि बार बार पैसे ही नहीं है, खोल दो सारा कुछ। वहाँ भी इसी किस्म की सिचुएशन थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ना लॉकडाउन कर रहा था ना पैसे दे रहा था। और तो ये मैं समझता हूँ कोविड इसका जो असरात है ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ, प्लस पुलिस ब्रुटैलिटी जिसकी एक तारीख है पूरी अगेंस्ट द ब्लैक्स, प्लस प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपने एटीट्यूड्स हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो गालियां देते हैं, जिस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी, तो आई थिंक ऑल दीज रीजंस हैव कंबाइंड टू क्रिएट दिस वॉलेटाइल सिचुएशन, जहां लोग पहले ही नाराज थे, गुस्से में थे, फिर पुलिस ब्रुटैलिटी की एक तारीख है, और ऊपर से सोशल मीडिया के साथ अब सब मिल गए हैं, और अब ब्लैक एंड वाइट कम्युनिटीज़ जो हैं वो यूनाइटेड हो गई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ और उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ, और जो पुलिस ब्रुटैलिटी है वो बिल्कुल वैसे भी लिबरल्स जो हैं वो तो एंटी पुलिस हैं, और पुलिस जिस किस्म की हरकतें वहाँ करती है इट्स अ फैशिस्ट पुलिस। इसीलिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो है वो इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके अंदर एंटी फैशिस्ट मूवमेंट के लोग भी हैं। अमरीका में एक नया मूवमेंट बन रहा है जब से प्रेजिडेंट ट्रंप आए हैं, वो है एंटी फैशिस्ट मूवमेंट, एंटीफा। तो अमेरिका में वो मूवमेंट है, कोई पार्टी नहीं है,
उसमें वाइट लोग भी हैं, ब्लैक लोग भी हैं, हिस्पैनिक्स भी हैं, लैटिनोज भी हैं, हर किस्म के कम्युनिटी के लोग हैं जो समझते हैं कि ये एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत अमेरिका में आ गई है और एक फाशिस्ट प्रेसिडेंट है और इसको रोकना है। तो वो लोग भी देयर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, उनको भी एक मौका मिल गया है टू जॉइन दिस। वो कोई पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। मतलब है कि मैं भी एंटी फैशिस्ट हो सकता हूँ और मैं जब देखूँ कि यार वहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, मैं कहता हूँ मैं भी जाके डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो इन प्रोटेस्टर्स के अंदर आपने देखा है मुख्तलिफ किस्म के, पुलिस ब्रुटैलिटी के बारे में भी स्लोगन्स हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ भी स्लोगन्स हैं, गुरबत के खिलाफ भी हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी हैं, और फासिज्म जो है जो कि डेवलप हो रही है राइट विंग फासिज्म, उसके खिलाफ भी स्लोगन्स हैं। तो इट्स अ मल्टी फैसेटेड प्रोटेस्ट एंड अक्रॉस ऑल अमेरिका। एंड एज आई सेड, ये जो है ये 50 ईयर्स के अंदर इस किस्म की कभी डेवलपमेंट नहीं हुई। अच्छा सेठी साहब, आपने भी एक कुछ थोड़ा सा हिस्टोरिकल हमें दिया तो है, तारीखी पस मंजर, मगर मैं ज़रा आपसे तफसीलन पूछना चाहती हूँ कि आज के ये जो मुजाहरे और गुस्सा और एहतजाज है, इसमें और जो माजी में था उसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं कि वो मुश्तरक हैं, और कौन सी चीज़ें जो आपको मुख्तलिफ नज़र आती हैं माजी में और हाल में? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि एक तो परसिस्टेंट रेशियल इनक्वालिटी, वो पहले भी रेशियल इनक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन थी, अब भी है, वो तो रिकरिंग फैक्टर है सिमिलैरिटी में। इसी तरीके के साथ पुलिस वायलेंस, उस वक़्त के भी जो प्रोटेस्टर्स थे उन्हें बड़ा गुस्सा था पुलिस के ऊपर, और वो अनरिजॉल्वड है। पुलिस को अभी तक कोई उसकी रिफॉर्म नहीं हुई और वहाँ कोई री एजुकेशन नहीं हुई, पुलिस अभी तक भी बड़ी एंटी ब्लैक है और रेसिस्ट है। तीसरी चीज़ ये है कि अब वो जो पीसफुल, और पहले भी पीसफुल और प्रोटेस्ट और वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर एक जो लूटिंग थी वो फ़र्क थी आज के लूटिंग से। उसमें ये है कि उस वक़्त ज़्यादातर जो लूटिंग हो रही थी वो कम्युनिटीज़ के अंदर हो रही थी, वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी क्योंकि नेबरहुड्स के अंदर हो रही थी, ब्लैक नेबरहुड्स के अंदर हो रही थी, और छोटी छोटी दुकानें थी या मॉम एंड पॉप शॉप्स थी, वहाँ थोड़ी बहुत लूटिंग हो रही थी। आज जो लूटिंग हो रही है वो एक डाइवर्स इलाके में हो रही है, वो सिर्फ छोटी दुकानों पे नहीं, वो तो उन्होंने तो अब बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स और मल्टीनेशनल स्टोर्स जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, उनको अटैक किया, सैक्स को अटैक किया है, एंड सो ऑन। तो ये इसका ये मतलब है, इसके अंदर एक क्लास एलिमेंट भी आ गया है या ग्लोबलाइजेशन का एक एलिमेंट भी आ गया है। तो इसलिए ये इसका ताल्लुक अब वो ग्लोबलाइजेशन के साथ भी लिंक हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि उस वक़्त भी और आज भी उन्होंने कुछ लूटिंग भी की और कुछ बिल्डिंग्स को भी जलाया, मगर उस वक़्त वो जैसे मैंने कहा वो उस नेबरहुड्स में थी, अब ये नेशनल चेंज की तरफ चली गई है। और ये था कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो थे ऐसी चीज़ जो थी जहाँ ज़्यादातर वाइट लोग जाते थे, अब शॉपिंग मॉल्स तो ऐसे इलाकों में भी आ गए हैं जो कि जहाँ ब्लैक्स भी जाते हैं, तो अब वो ब्लैक्स को भी एक्सेस मिल गया टू द सेम एरिया, और वो उनको भी अब उसी किस्म का वहाँ भी वो अपना गुस्सा निकालते हैं। और फिर उस वक़्त जैसे मैंने कहा कि इतने वाइट लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते थे, ज़्यादातर ब्लैक्स ही होते थे, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स होते थे या प्रोग्रेसिव लोग थे, अब तो इट हैज़ स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर कम्युनिटी। और उस वक़्त कोई इंटरनेशनल बैकअप नहीं होता था, इफ़ यू रिमेंबर, मतलब अगर वहाँ कुछ होता था तो ज़रूरी नहीं कि कहीं और अमरीका में दो तीन जगह पे हो जाता था, मगर इससे ज़्यादा नहीं होता था। मगर आपने देखा कि इन सिंपथी ये जो है ये तो पेरिस में भी लोग लड़ रहे हैं, खड़े हो गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी चीज़ के ऊपर, लंदन में भी प्रोटेस्ट हैं, बर्लिन में हैं, म्यूनिख में हैं। तो ये एक किस्म का ग्लोबल प्रोटेस्ट शुरू हो गया अगेंस्ट, नॉट जस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मगर अगेंस्ट ये जो स्विंग हो रही है टूवर्ड्स द राइट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसीज, उसके खिलाफ। इसके अंदर क्लाइमेट, जो लोग क्लाइमेट को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कहते हैं इसकी तरफ तवज्जो दे, वो भी कूद पड़े हैं इसके अंदर। वो सो दिस इज बिकम अ ग्लोबल प्रोटेस्ट, शुरू हुई पुलिस वायलेंस से ऊपर से बन गई है ये इंटू अ ग्लोबल प्रोटेस्ट ऑफ इनक्वालिटी, जिस किस्म की ये नज़र आ रही है ये सरमायादारी निज़ाम जो है अमरीका में, उसकी जो इनक्वालिटीज उसके अंदर बिल्ट इन है, जिसकी वजह से कोविड ने आके अटैक किया, गरीबों को ज़्यादा अटैक किया है और कालों को ज़्यादा अटैक किया है कंपेयर टू वाइट्स। तो ये सारी चीज़ें अभी इकट्ठी हो रही हैं, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन और बाउंड्रीज बिटवीन कमर्शियल सेग्रीगेशन,
वो भी ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज अब कमर्शली भी शॉपिंग मॉल्स हर जगह पे हैं, रिच एंड मिडिल क्लास एरियाज एंड रिच एरियाज। तो ये सारी जो चीज़ें जिसका तल्लुक ग्लोबलाइजेशन के साथ है और जिसका तल्लुक सरमायादारी है उसके साथ इसका तल्लुक है। आपने देखा जब 2000 पहले भी एक क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, मगर ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई जो कि जिसका तल्लुक डिस्क्रिमिनेशन के साथ भी है और कोविड के साथ भी है। और पहले जो था वो आपको याद है, वो 2008 में एक क्राइसिस आई थी ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड बिग बिजनेस, जिसको गवर्नमेंट ने बैंकों के लिए, बैंकों को बेल आउट करने के लिए अरबों खरबों डॉलर्स खर्च किए। अब इस क्राइसिस के अंदर उस किस्म की नहीं खर्च किया जा रहा लोगों को बचाने के लिए। तो ये सारा पेंट अप गुस्सा जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक नई हाइब्रिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इमर्ज कर रही है जो कि अक्रॉस दी बाउंड्रीज जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ी हैं, इंटरसेक्शनल हैं, ज़्यादा डिसरप्टिव हैं, मोर ट्रांसफॉर्मेटिव हैं देन बिफोर, जो पहले हमने देखा। एंड सो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड डेवलपमेंट। एंड इसके साथ आप सब समझते थे कि कोविड ने तब्दील कर दिया दुनिया को, मैं समझता हूँ ये जो प्रोटेस्ट्स हो रही हैं इस सरमायादारी को और ये जो राइट विंग की तरफ स्विंग हो रही है उसको, उसके ऊपर भी ये असर अंदाज होंगी। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये मुजाहरे और जो एहतजाज है उसके कोई अच्छे नतीजे निकलते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।